आज की शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हुआ। यूं कि एक दिन ऑफिस से हम घर लेट पहुंचे और देखा मम्मी जी थोड़ा गुस्से में बैठी थी, तो हमने मम्मी से पूछा क्या खाएंगी, और मम्मी ने गुस्से में हमसे कहा कौन सा जलेबी तब के खिला दोगी। तो बस क्या था, हमने भी 5 मिनट में जलेबी बनाई और उनके सामने पहुंचाई। मम्मी थोड़ा देख के हैरान हुई और पूछा ये जलेबी कहाँ से आई। हमने कहा हमने बनाई आपके लिए, वो भी 5 मिनट में। तो चलिए वही 5 मिनट वाली रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जरूरी काम ये कि हम चाशनी उबालने जाएंगे, और इस चाशनी के लिए 1 कप पानी लेंगे और इस 1 कप पानी में डालेंगे 1 कप चीनी भी, और इसे मैं बॉईल करने चढ़ा देती हूँ। तो जब तक चाशनी पकती है बनाते हैं जलेबी के लिए बैटर। एक बोल में मैं लूंगी पहले 1 कप मैदा, और इस 1 कप मैदा में मैं डालूंगी 1/4 कप दही। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसका एकदम स्मूथ सा हमको बैटर प्रिपेयर कर लेना है। दही डालने से क्या होगा, वो जो फर्मेंटेड टेस्ट हमें चाहिए होता है ना, जो खट्टास चाहिए होती है, वो दही दे देगी इसे। पहले अपने बैटर को मिक्स कर लीजिए, इसे एकदम लम्प फ्री स्मूथ बना लीजिए, तब इसके बाद इसमें हम और पानी डाल देंगे एज वी डिजायर। एक स्मूथ बैटर हम प्रिपेयर कर लेते हैं। बैटर कितनी थिकनेस का होना चाहिए वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दिस इज हाउ माई बैटर विल फॉल, ना एकदम फ्री फ्लोइंग ना ही एकदम ड्रॉपिंग। तो वो जो ब्रेड पकौड़ा की कंसिस्टेंसी होती है ना, वो वाली कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसमें। जब ये बैटर ऐसे स्मूथ हो जाएगा, व्हाट आई विल डू इज मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला दूंगी, बस दैट सिंपल, और इसको 2 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ। नाउ शुड यू विश आप इसमें थोड़ा सा केसर मिला सकते हैं या केसर का कलर मिला सकते हैं, और ऑरेंज कलर फूड कलर चाहें तो वो भी मिला सकते हैं, टू गिव इट अ मोर बाजार लाइक अपीयरेंस। तो इस बैटर में मैं मिलाने जा रही हूँ ये केसर का पानी। केसर के धागे मैंने इसमें से हटा दी हैं, जो स्टेम्स होती हैं उनको मैंने हटा दिया फॉर द सिंपल रीजन कि वो मेरी पाइपिंग बैग को ब्लॉक कर सकते हैं। सो आई विल ऐड अ लिटिल ऑफ दैट ओवर हियर और इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। और अब इस जलेबी के बैटर को मैं फिल कर लूँगी एक पाइपिंग बैग में। आप चाहें तो जो दूध का पैकेट होता है ना, वो भी ये काम बहुत बढ़िया से करता है। अगर आपका बैटर बहुत पतला होगा ना, तब आपकी जलेबी टूटने लग जाएगी, बिखरने लग जाएगी। सो यू हैव टू बी कॉशियस कि ना वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाए ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जलेबी को हम तलेंगे किसी भी हार्ड फैट में। देसी घी की जलेबी वेरी गुड, या तो देसी घी में तलिए आप इसको, या आप इसे तलेंगे कोई भी हार्ड वाइट फैट, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट उसमें। रिफाइंड ऑयल में मत बनाइएगा, वो क्रिस्प नहीं बनती है बिल्कुल। लगेगा क्रिस्प हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे अरे ये तो एकदम सॉगी हो गई। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, वो ये है कि आप जलेबी पकाएंगी किसी फ्लैट पैन में। हलवाई को अगर आपने देखा हो तो उसके पास होती है एक फ्लैट कढ़ाई जिसे कहते हैं तई, तो वो तो हमारे पास नहीं है, हम फ्राइंग पैन से काम चला लेंगे। हमारी चाशनी पक चुकी है तो उसको भी कर देते हैं हम बंद और थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। चाशनी पे जो गंदगी आ गई है उसे रिमूव कर देते हैं और फिर हम इसमें जलेबी बनानी शुरू करते हैं। बहुत आसान है, बस गो स्पाइरल 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 और स्पाइरल को क्रॉस कर दीजिए। जब आप जलेबी डालेंगे पैन में, आप देखेंगे ढेर सारी बबलिंग होने लग जाएगी, एंड व्हाट वी डू इज वी वेट फॉर द बबलिंग टू सबसाइड। जब ये बबलिंग थोड़ी कम होगी और ये जलेबी थोड़ी क्रिस्प होने लग जाएगी, इसे उठाइए पलट दीजिए और दूसरी साइड से भी आप इसको क्रिस्प हो जाने दीजिए। जब ये बबलिंग पूरी तरीके से रुक जाएगी, तब हमें पता चलेगा कि हमारी जलेबी अच्छे से क्रिस्प हो चुकी है, और अब हम इसे निकाल के चाशनी में डाल देंगे। Once again, for a more bizarre-like appearance, you can add a little color to this as well.
I'll do that. I'm just adding a pinch of orange food color to this. इसको भी mix कर लेती हूँ. जब ये क्रिस्प हो इनको टर्न कीजिए और बबलिंग को पूरी तरह से हम सबसाइड होने देंगे बिफोर वी टेक दिस आउट. तो कुछ केसर वाली भी हैं और कुछ ऑरेंज कलर वाली भी हैं. एज द बबलिंग स्टॉप्स या वो कम हो जाए बस अपनी जलेबी को उठाइए और इसे इस चाशनी में अब डाल देते हैं. जलेबी को चाशनी थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर लेने दीजिए और बस 30 सेकेंड्स के बाद हम इसे बाहर निकाल लेते हैं. तो बस ऐसी ही ढेर सारी जलेबी और बना लीजिए. एक कप मैदा में आप देखेंगे आप पूरी फैमिली के लिए जलेबी बना सकते हैं, गर्मा गर्म और क्रंची भी. थी ना कितनी सिंपल सी रेसिपी. घर में इसे ट्राई कीजिए और बनाइए 5 मिनट में इंस्टेंट जलेबी. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कितनी देर भाई, बस तुरंत अभी कर लीजिए. और हाँ, लाइक करना और ये बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा.